हाई एवरी वन, सो गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। ये वाला वीडियो लोहड़ी का है। तो सुबह सबसे पहले उठ के हमने चाय बिस्किट खाया, उसके बाद ना मैं और जीजू चले गए थोड़ा सा बाजार, क्योंकि आज तो लोहड़ी है, लोहड़ी के दिन अच्छा अच्छा खाना तो घर में बनेगा ही। तो उसके वजह से मैं और जीजू निकल गए थे। वैसे पता है ये वाला व्लॉग मैं काफ़ी लेट करके अपलोड करी हूँ, बट क्या ही करूँ, फिलहाल मैं अभी थोड़ा सा घूम रही हूँ इसलिए मैं एडिटिंग वगैरह नहीं कर पा रही हूँ। बहुत सारे अमेजिंग वीडियोज़ आने वाला है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, क्योंकि मैं अभी बाहर हूँ इसलिए। फिर भी आप लोग जब मैं शेयर कर रही हूँ अपना वीडियो, क्योंकि वीडियो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है घूमने से पहले, ठीक है। तो यहाँ देखो हमने धनिया पत्ती क्यूकम्बर लिया और एक स्टॉल से ना हमने पूरी सब्जी लिया, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं ये अंकल। एंड यहाँ देखो हम लोग बिरयानी और राइस खरीद रहे थे, लाइक बासमती राइस वगैरह और मसाला वगैरह काजू वगैरह सब कुछ खरीद रहे थे। फिर हम आ गए घर, आके मैंने एक अपना पार्सल रिसीव किया जिसमें था कवर, मेरा मोबाइल का बैक कवर। और यहाँ देखो पूरी और घुगनी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था गाइस, सच्ची में। ऊपर से ना हमने घर से थोड़ा सा अचार ले लिया और साथ में प्याज, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा गाइस। फिर यहाँ देखो खाने का प्रिपरेशन चल रहा था, चिकन लाए थे हम लोग, तो उस वजह से आज धनिया चिकन बनेगा, इसलिए इधर सब कुछ मैरिनेशन चल रहा है। ये सब ना दी मैरिनेट कर रही है, आलू भी दी फ्राई कर रही है, और यहाँ मम्मी ने चढ़ा दिया, नहीं अभी तक चढ़ाया नहीं, मतलब ये मैरिनेट करके रखा कुछ देर तक। और हमने ये ना कद्दू के जो फूल होते हैं ना उसका पकौड़ा आपने खाया क्या, मुझे बताना कमेंट में, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ देखो जीजू ने ये बासमती राइस लिया, साथ में मम्मी इधर थोड़ा सा सब्जी वगैरह काट रही थी, क्योंकि आज घर में बनेगा चिकन, धनिया चिकन एग करी एंड साथ में बनेगा फ्राइड राइस। तो यहाँ देखो दी बर्तन थोड़ा सा धो रहे थे और मुझे अभी भी नींद आ रहा है, क्या ही करूँ गाइस। और सब कुछ रेडी है फ्राइड राइस के लिए, इधर गाजर काजू किशमिश बीन्स सब कुछ काट के रखा मम्मी ने, और अभी चिकन बनने ही वाला है। तो मम्मी ने पहले प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लिया, फिर मैरिनेट किया हुआ चिकन को डाल दिया, और अभी इधर चावल ले रही थी धोने के लिए। आज तो खाना एकदम मज़ेदार होने वाला है गाइस, मुँह में तो मेरा अभी पानी आ रहा है। चिकन तो ऑलमोस्ट हो ही गया, साथ में राइस को चढ़ा दिया, और देखो यहाँ हो भी गया, एक सेकेंड में हो गया ना। फिर काजू किशमिश फिर गाजर बीन सब कुछ मम्मी हल्दी और नमक से फ्राई कर रही थी, और राइस को डाल दिया। डालने के बाद इसे तो अच्छे से मिक्स किया, ऊपर से घी गरम मसाला चीनी शुगर सब कुछ डाल दिया बहुत अच्छे से। और यहाँ देखो एग करी बनने वाला है, तो यहाँ हल्दी और नमक से मैरिनेट करके फ्राई किया है एग को, और यहाँ देखो एग करी बन गया। सुबह आते वक्त हमने ये केक भी लाया था जो कि मैं आपको दिखाना भूल गई, तो अभी दिखा रही हूँ। फिर मैं दी और डुगू चले गए थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि बाल बहुत भिगा हुआ था इसलिए, और डुगू इधर खेल रहा था और मुझे अभी नींद आ रहा है गाइस, क्या ही करूँ। फिर नीचे चले गए और जाके अपना लंच कर लिया जिसमें था फ्राइड राइस एग करी एंड चिकन, खा के बहुत ही ज़्यादा मज़ा ही आ गया गाइस। और यहाँ देखो जीजू ने सलाद का प्लेट रेडी का बहुत अच्छे से किया, और यहाँ तो मैं अभी जम के खा रही हूँ। फिर ना थोड़ा सा सो गई थी, उठ के देखा कि दी ने बनाया चाय हमारे लिए, तो हमने चाय भी पी ली साथ में केक भी खा लिया। फिर ना हम लोग थोड़ा घूमने चले गए, उसका मैं सेकंड पार्ट कल अपलोड करूँगी। सो बाय।